मध्य प्रदेश के शिक्षक ई हाजरी के विरोध में उतरे सड़कों पर। पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी शिक्षा विभाग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो चाहते हैं उन्हें ई हाजरी नहीं देनी चाहिए। शिक्षक कहते हैं हम शासन के वो सारे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फिर सभी शिक्षकों के पास आधुनिक तरीके के एंड्रॉयड फोन भी नहीं है। बगैर एंड्रॉयड फोन के ई हाजरी नहीं हो सकती। शिक्षक चाहते हैं सरकार अपने तुगलकी फरमान को तत्काल प्रभाव से वापस ले। ये शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस शासन जो है, शिक्षा विभाग 1 तारीख से लागू कर रहा है, 1 अप्रैल से। इसके विरोध में हम सभी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले सभी शिक्षक संगठन, अन्य संगठन के लोग भी हमारे सभी साथ में हैं। हम उसका जोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे वेतन से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई शिक्षक 5 मिनट भी अगर लेट पहुंचा, 10 मिनट भी लेट पहुंचा, तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। और इसमें अनेक विसंगतियाँ हैं। 60% लोगों के पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लाइट नहीं रहती है, जिस कारण से कैसे उनका मोबाइल चार्ज होगा, नेटवर्क की समस्या रहती है। ये सभी समस्याओं को देखते हुए शासन इसको वापस ले।